यू कैसे हो आप लोग? कैसा मजा आ रहा होगा ना छुट्टियों का? ले रहे हो आनंद? चलो थोड़ा सा काम का भी टाइम है, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, है ना। मेरा नाम है प्रीत कुमार एंड आई एम योर साइंस टीचर। और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडा। तो पिछले लेक्चर में आपने ये पढ़ा कि मोशन क्या होता है ना, तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा। तो आज का इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो देखते हैं, आराम से सीखेंगे, मजा आएगा, धीरे धीरे सीखेंगे, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। ये नॉलेज है और धीरे धीरे नॉलेज को बिना किसी प्रेशर से लिया जाता है नॉलेज, ठीक है। ये हमारी जानकारी है, हमारे अनुभव की जानकारी जो हमें चारों तरफ से मिलती है। तो बात करते हैं मोशन की। तो हमारा चैप्टर है मोशन, क्लास है हमारी 9th क्लास, है ना। तो मोशन में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना, और हम पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आ गया समझ में? साथ के साथ धीरे धीरे आराम से मजे लेके एकदम से ये समझो कि एक नॉलेज है जो आपको मिल रही है बिना किसी दबाव के घर बैठे, ठीक है। तो देखो भाई, यूनिफॉर्म मोशन क्या है? तो मैं बात करता हूं किसी ऑब्जेक्ट की। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, है ना, और ये ऑब्जेक्ट धीरे से यहां तक पहुंच गया, ठीक है, बी पॉइंट पर, क्लियर। और रास्ते में ये दो जगह, जो दो ऐसे पॉइंट मेंशन कर देते हैं हम लोग, ताकि सी और डी दो पॉइंट हमने मेंशन कर दिए। तो ये इंटरवल जो है डिस्टेंस का, वो हमने मान लिया बराबर, लगभग बराबर है नहीं बट मान लेते कि ये बराबर है, ठीक है। दिख नहीं रहा थोड़ा, पेंटिंग मेरी थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया है तो इसलिए इसको मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ। देखो तो इक्वल इंटरवल बना किस चीज का? डिस्टेंस का। ये जो ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो इसका जो इंटरवल था ए से सी पर और सी से डी पर गया और डी से फिर बी पर गया, तो इंटरवल क्या रहा डिस्टेंस का? सेम रहा। तो यहां पर हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? ए से सी, सी से डी, डी से बी। इंटरवल क्या है? बराबर। तो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस ही लिखो, डिस्प्लेसमेंट लिख दो, एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल और कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसको शॉर्ट में और भी पढ़ सकते हैं कैसे, कि भाई इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इसको सीधा भी लिख सकते हैं कि भाई इक्वल डिस्टेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इंटरवल क्या है? सेम है, और टाइम क्या है? सेम है। तो इक्वल इंटरवल में जो पहले ए से बी गया, जितना टाइम लिया, बी से सी गया, जितना टाइम लिया, सी से डी गया, जितना टाइम, वो सारा टाइम क्या है? बराबर बराबर बराबर, डिस्टेंस भी बराबर। तो इस तरीके के जो मोशन होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करूं,
तो इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या है, सेम, लेकिन जो इक्वल जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या है अनइक्वल, डिस्प्लेसमेंट क्या है अनइक्वल है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि भाई अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है और टाइम क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आगे पीछे हो गया, तो इसका मतलब वो ट्रेवलिंग जो हुआ वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, एक जैसा नहीं हुआ, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल रहता है तो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस प्रकार से आप मोशन पढ़ सकते हैं। मोशन के दो प्रकार हमने किए हैं अभी अभी, दो टाइप हमने किए, यूनिफॉर्म मोशन एंड अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए स्पीड की, किसकी, स्पीड। स्पीड हमारा होता है जैसा कि 8th क्लास में हमने पढ़ा है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि डिस्टेंस क्या होता है तो उनके लिए एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं। देखो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले ही मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या, देखो डिस्टेंस क्या होती है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की टोटल ट्रेवल। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो ए से ऐसे घूमकर इस पॉइंट पर पहुंचा, पहुंचा तो वो ए से बी पॉइंट पर जैसे ही पहुंचता है जितना पाथ उसने कवर किया, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए टाइम, द टोटल पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इन ए टाइम या ट्रेवल्ड इन ए टाइम, उसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। टोटल टोटल पाथ ट्रेवल्ड और कवर किया, ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के विद रिस्पेक्ट में कवर करेगा तो टाइम लेगा। तो ठीक है, वो उसकी बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो जितना पाथ कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी टाइम में, तो वो तो अलग चीज है ना, हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जितना पाथ ट्रेवल किया या कवर किया ए से लेके बी पॉइंट तक पहुंचा हुआ ऐसे ऐसे करके, तो ये जो मेजरमेंट रहेगी ये पूरी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, द मैक्सिमम पाथ, यू कैन से द मैक्सिमम पाथ, ये भी कर सकते हैं, द मैक्सिमम पाथ। ठीक है, कितना मैक्सिमम पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द पोजीशन, मैक्सिमम पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन, उसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। अब आ जाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि आगे आने वाला टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो एक ऑब्जेक्ट है ए, ऐसे ऐसे करके यहां पहुंचा बी पॉइंट, तो ये जो ट्रेवलिंग पॉइंट था यहां तक का, ये था हमारा डिस्टेंस। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है जस्ट चेंज ऑफ पोजीशन इन अ स्ट्रीट लाइन। कि भाई एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट माना, ये ऑब्जेक्ट यहां से चला गया और यहां पहुंच गया, तो यहां से ए से बी तक सीधा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि ये
स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, सॉरी ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी, एग्जांपल के लिए वेलोसिटी, ठीक है, अभी डिफाइन करेंगे वेलोसिटी को भी, उससे पहले ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन परफेक्ट नहीं होती इसकी, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन परफेक्ट होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, अभी बताएंगे। उससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या होता है। देखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा सबसे छोटा पाथ, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और ये स्ट्रेट लाइन में होता है, किसमें होता है? स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन, बात समझ में आ गई? ये स्ट्रेट लाइन में होता है, इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आ गई? तो ये था आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, क्लियर है? तो ये अभी सिर्फ इतना करेंगे कि भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, अब इन दोनों को रिलेट करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल के लिए स्पीड लेते हैं डिस्टेंस के लिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है, ये हम डिफाइन करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, सो कीप वॉचिंग दिस चैनल एडवांस एरिना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर ले और शेयर भी कर ले, ठीक है, ताकि हम आपके लिए नए अच्छे लेक्चर लेके आ सकें।